Good morning, students. My name is Priyank Patel and I am from LJ Polytechnic Automobile Engineering Department. और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन. तो नॉर्मली जो मशीन डिज़ाइन है उसे दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. जो फर्स्ट है वो है बेस्ड ऑन वर्क और जो दूसरा है वो है बेस्ड ऑन मेथड. तो सबसे पहले अगर हम बेस्ड ऑन वर्क की बात करें तो उसके अंदर भी तीन सब टाइप्स है, जिनके अंदर सबसे पहली है अडेप्टिव डिज़ाइन, दूसरी है डेवलप डिज़ाइन और जो तीसरी है वो है न्यू डिज़ाइन. और यहाँ पर अब हम अगर एडेप्टिव डिज़ाइन की बात की जाए तो एडेप्टिव डिज़ाइन जो है उसे हम अगर लेटेस्ट लैंग्वेज में बोले तो उसे फेस लिफ्ट भी कहा जाता है. मतलब कि आपके पास कोई एक ऑलरेडी मैन्युफैक्चर की हुई डिज़ाइन है जो कि वर्किंग कंडीशन में है और आप उस डिज़ाइन को माइनर मॉडिफाई करके एक नई डिज़ाइन इलाबरेट कर रहे हो, उसे कहा जाता है एडेप्टिव डिज़ाइन. आपको पता होगा कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर बहुत ऐसी कार्स हैं जिनको हर साल दर साल थोड़ा मॉडिफाई करके रिफ्रेश लुक दिया जाता है, उसको एडेप्टिव डिज़ाइन का एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं. उसके बाद जो दूसरी है वो है यहाँ पर डेवलप डिज़ाइन. अब डेवलप डिज़ाइन के अंदर एक मॉडिफिकेशन के साथ एक और चेंज किया जाता है कि उसके पीछे का जो मेन आइडिया था, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर इंजन काम कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट को भी मॉडिफाई किया जाता है, जिसको बोला जाता है डेवलप डिज़ाइन. मतलब कि अडेप्टिव डिज़ाइन और डेवलप डिज़ाइन के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि अडेप्टिव डिज़ाइन में जो मेन आइडिया या कॉन्सेप्ट था उसे चेंज नहीं किया जाता, जबकि डेवलप डिज़ाइन में उसे चेंज कर दिया जाता है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है न्यू डिज़ाइन. अब यहाँ पर नाम के ऊपर से ही आपको पता चल जाता है कि ये डिज़ाइन पूरी एक नई डिज़ाइन होती है. मतलब इसके अंदर किसी का भी बेस नहीं लिया जाता इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, और इसे मतलब पूरा नए आइडिया और नए कॉन्सेप्ट से डिराइव किया जाता है, इसलिए इसको न्यू डिज़ाइन बोला जाता है. उसके बाद अगर हम बेस्ड ऑन मेथड के ऊपर आए तो यहाँ पर आपको बहुत सारी मेथड्स दिख रही है, मतलब कि टोटल 7 मेथड है, ठीक है. उसमें अगर हम सबसे पहली मेथड पे जाए तो वो है रेशनल डिज़ाइन. अब रेशनल डिज़ाइन के बारे में मैं आपको बताऊं तो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी मशीन को जब आप वर्किंग कंडीशन में लाते हो तो उसके ऊपर अलग अलग स्ट्रेस और अलग अलग स्ट्रेन लगते हैं. तो उस स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर से जब किसी मशीन की डिज़ाइन की जाती है तो उसे कहा जाता है रेशनल डिज़ाइन. उसके बाद है एम्पिरिकल डिज़ाइन. अगर एम्पिरिकल डिज़ाइन की बात करें तो ये डिज़ाइन पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर से जो भी फॉर्मूलाज बनाए गए हैं उन फॉर्मूलाज के ऊपर से डिराइव की जाती है. मतलब कि प्रैक्टिकल फोर्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, स्ट्रेस, स्ट्रेन के ऊपर से कुछ फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं जिन फॉर्मूला के ऊपर से इस डिज़ाइन को किया जाता है. उसके बाद आती है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. अगर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो लेटेस्ट इंडस्ट्री का ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक की जाती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर साल दर साल इंडस्ट्री का जो ट्रेंड होता है वो चेंज होता रहता है, और इस डिज़ाइन को इंडस्ट्री के ट्रेंड के ऊपर से ही डिज़ाइन किया जाता है. उसके बाद आती है ऑप्टिमम डिज़ाइन. मतलब कि जब एक प्रॉब्लम के लिए आपके पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन अवेलेबल है तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट और सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन जो है उसे सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस है या फिर उसको मॉडिफाई करने की जो प्रोसेस है उसे ऑप्टिमम डिज़ाइन कहा जाता है. जिसके अंदर आप दो या चार डिज़ाइन अवेलेबल है उसमें से एक ऐसे डिज़ाइन सेलेक्ट करते हो जो मैक्सिमम एफिशिएंट या फिर सिचुएशन के अनुसार फिट होती है. उसके बाद आएगा एलिमेंटल डिज़ाइन. मतलब कि कोई भी मशीन होता है तो उसके अंदर उसके वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, उसकी अलग अलग सिस्टम होती है और उन सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. तो जब आप किसी भी तीन या चार सिस्टम को मिला के एक एलिमेंट बना रहे हो और उस एलिमेंट की जब डिज़ाइन की जाती है तो उसे एलिमेंटल डिज़ाइन कहा जाता है. उसके बाद आएगी सिस्टम डिज़ाइन. मतलब कि तीन या चार या फिर उससे ज़्यादा पार्ट्स को मिलाकर आप एक सिस्टम बना रहे हो और उस सिस्टम की जो डिज़ाइन है उसे सिस्टम डिज़ाइन कहा जाता है. मतलब कि ये चार और पांच पार्ट्स की जो डिज़ाइन होती है उन्हें मिलाकर बनाया जाता है. उसके बाद आएगी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो कि अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रही है. और इस डिज़ाइन की बात करूँ तो कंप्यूटर की मदद से इस डिज़ाइन को किया जाता है. इस डिज़ाइन का मेन एडवांटेज ये है कि इससे आपको फोर्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन और प्रैक्टिकल जितने भी सिमुलेशन है वो यहाँ पर करने को मिलता है, और कंप्यूटर होने की वजह से आप इसको काफ़ी इजीली परफॉर्म भी कर पाते हैं और इस डिज़ाइन के एरर चांसेस काफ़ी कम रहते हैं. तो यहाँ पर हमने देखे टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन. आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था. अगले वीडियो के लिए आप हमें इस वीडियो को लाइक दे सकते हैं या फिर हमारे चैनल LJP ऑटोमोबाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आपका देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया.